कीर्तन में शामिल एक औरत सफिया एक सिख बीबी को देखकर एकदम हैरान रह जाती है, जो बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम शरीर, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिनमें रहमदिली, मोहब्बत और नेकी की रोशनी जगमगाती रहती थी। चेहरा किसी खिली हुई किताब जैसा, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम पर ओढ़ा करती थी। सफिया ने कई देर तक उनकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा तो सिख बीवी ने घर की बहू से उसके बारे में पूछा। तब उनकी बहू ने बताया, ये मुसलमान है, कल सुबह ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है, जिन्हें इन्होंने वर्षों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी सफिया के पास जाकर बैठ गई और लाहौर के बारे में बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा है, वहाँ के लोग कैसे जिंदा दिली होते हैं, सैर सपाटे के रसिया, उम्दा खाने के शौकीन और बढ़िया कपड़ों के शौकीन, जिंदा दिली की तस्वीर है लाहौर। कीर्तन होता रहा और वे दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। माता जी, आपको यहाँ आए तो बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी एक कोठी बन गई है, अच्छा खासा बिजनेस है, सब ठीक ही है, किंतु लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। बात आगे चल पड़ती है किंतु घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन 11 बजे तक चला। वे प्रसाद लेकर उठ जाती हैं और सफिया के सलाम के बदले दुआएं देकर वहां से जाने लगती हैं। तब सफिया ने धीमे से पूछा, यदि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं तो मुझे हुक्म दीजिए। सिख बीबी थोड़ा सा हिचकिचा कर बोली, यदि ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। पंद्रह दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दोस्तों की मोहब्बत, जिम खाना की शामें, भाइयों की खातिरदारियां। भाइयों का बस न चलता था, नहीं तो पता नहीं बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ कर दे। दोस्तों और अजीजों की यह हालत थी कि कोई कुछ ले आ रहा था तो कोई कुछ। कैसे पैक करें, कहां रखें, क्यों कर ले जाएं? सबसे विकट अर्थात कठिन समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया को रखना, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का एक भाई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। सफिया ने सोचा कि वही उसे सही राय दे सकता है। क्यों भैया, यहाँ का नमक ले जाया जा सकता है क्या? नमक? नमक तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है ये। और नमक का आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे भी ज्यादा नमक आया है। मैं हिस्से बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो केवल लाहौर का नमक ही चाहिए, मेरी माँ ने तो यही मंगवाया है। उसके भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। देखिए बाजी, आपको कसम से तो गुजरना ही पड़ेगा, और यदि एक भी ऐसी वैसी चीज निकल आई तो आपके सामान को तार तार कर देंगे कस्टम वाले, कानून जो बड़ा। निकल आने का क्या मतलब है, मैं कोई चोरी से थोड़ी ही ले जाऊंगी, मैं क्या छिपा कर ले जाऊंगी, मैं तो सबको दिखा कर और जता कर ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत काम करेंगी, कानून जो। अरे फिर वही कानून कानून की रट लगाए हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ इंसानियत मोहब्बत के भी तो होते हैं, आखिरकार कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ वे मशीन तो नहीं होते, किंतु मैं आपको यकीन जरूर दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है।
अरे बाबा, मैं ये कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी न करें, यह तो एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, स्मगल की हुई सोना चांदी या कोई ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे बहस कौन करे, आप साहित्यकार जो ठहरी, और सभी साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा बहुत घुमा हुआ तो होता ही है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप नहीं ले जा पाएंगी और मुफ्त में हम सब की भी बदनामी होंगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती ही कितना है। कस्टम वालों को जाने या न जाने, किंतु हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो यदि सभी लोगों का दिमाग हम साहित्यकारों की तरह घुमा हुआ होता तो यह सारी दुनिया कुछ और बेहतर हो जाती। भैया, गुस्से के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन उसे 2 बजे रवाना होना था। सुबह के लिए तो काफी व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए सारी पैकिंग उसे रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके वह अपना सामान बांधने लगी। इधर उधर बिखरी हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर बिस्तर बंद और सूटकेस में बंद होती चली गई। केवल 2 चीजें शेष रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी थी जिसमें किन्नू भरे थे, एक दोस्त का तोहफा। किन्नू माल्टे और संतरे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल, माल्टे की तरह मीठा और रंगीन तथा संतरे जैसा नाजुक। और दूसरी चीज थी नमक की वह पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा पूरी तरह उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी। सफिया ने सोचा, नमक की पुड़िया लेकर तो जानी है, किंतु कैसे? अच्छा, यदि इसे हाथ में ले लें तथा कस्टम वालों के सामने इसी को सबसे पहले रख दें। लेकिन यदि कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, वहीं छोड़ देंगे। किंतु उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया? हम खुद को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके तोड़ने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा निभाना होगा, लेकिन कैसे? यदि इसे किन्नुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख कर ले जाएं तो इतने किन्नुओं में भला कौन देखेगा? और यदि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? नहीं, फलों की टोकरियां तो आते समय भी किसी ने नहीं जाती। उधर से केले, इधर से किन्नू तो सभी ले जा रहे थे और ला रहे थे। यही ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सफिया ने किन्नू की टोकरी कालीन पर उलट दी, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर उसकी तह में रख दी। एक बार फिर झांक कर उसने पुड़िया को ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर तक उखड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह बचपन में अक्सर अपनी अम्मा से सुना करती थी, जिनमें एक शहजादा अपनी जांघ को चीरकर एक हीरा छिपा लेता है और देवों, राक्षसों तथा खौफनाक भूतों के सामने से होता हुआ सरहदों के पार पहुंच जाता है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह भी अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक की पुड़िया छिपा लेती। सफिया ने हल्की सी आह भरी, एक एक करके किन्नुओं को टोकरी में रखा, पुड़िया के आसपास इधर उधर और फिर ऊपर। फिर आश्वस्त होकर उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस को पलंग के नीचे सरकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखा और फिर चद्दर ओढ़कर लेट गई। मार्च का महीना, रात के 1:30 बजे खिड़की से सुहानी हवा आ रही थी।
आसमान में चांदनी साफ और ठंडी। खिड़की के पास चंपा का एक गहरा पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों की परछाई लहरा रहा था। किसी तरफ से खांसी की आवाज, दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर वही सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहां उसके तीन सगे भाई रहते थे। बाप की कब्र थी, हजारों चाहने वाले थे, भतीजे भतीजियां थी जो उनसे बड़ी मासूमियत से पूछती थी, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम नहीं आ सकते। सफिया और उन लोगों के बीच में एक सरहद थी और एक नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला था जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से वापस चली जाएगी। हो सकता है कि साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो उसका आना संभव ही नहीं था और यह भी हो सकता था कि अब कभी भी न आ सके। सफिया को रात के सपने में सफेद दुपट्टे का एक दूधिया सा आंचल लहराता दिखता है जिस पर छोटे छोटे सितारे झिलमिला रहे थे, जिसमें सिख बीबी ने कहा था, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी एक कोठी बन गई है, अच्छा खासा बिजनेस है, सब ठीक ही है, किंतु लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे अस्त होते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास फैलता उभरता अंधेरा और उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म हवा दिखती है। उस हवा में रची बसी मौलसीरी की खुशबू तथा मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान उदास, सिर झुकाए हुए, चुपचाप मानो दो बेजान परछाइयां हों, उनके बीच बातें होती हैं। सफिया की अचानक आंखें खुल जाती हैं। सफिया ने शायद सपने में मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब की एक पत्ती तोड़ ली थी जिस पर हल्की हल्की ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते समय उसका हाथ किन्नुओं से भरी टोकरी पर जा पड़ा था। ठंडे रसीले किन्नु जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का एक मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था जो अभी हाथ में टिकट लिए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहा था। सफिया वेटिंग रूम में हाथ में चाय की प्याली, नजर किन्नुओं की टोकरी पर और सोच रही है कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, किंतु केवल वही जानती है कि टोकरी में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया रखी है। जब उसके सारे सामान को जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तब सफिया ने सोचा, मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, बल्कि मैं नमक को कस्टम वालों को दिखाकर ही ले जाऊंगी। सफिया जल्दी से पुड़िया निकाल कर हैंडबैग में रख लेती है जिसमें उसका पासपोर्ट और पैसों का पर्स आदि थे। जब सामान कस्टम को पार करके रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ती है। अधिकांश मेजें खाली हो चुकी हैं, एक दो पर थोड़ा बहुत सामान है। वहीं एक बड़े साहब खड़े हैं, दुबला पतला जिस्म, लंबा कद,
खिचड़ी बाल और आंखों पर चश्मा लगाए हुए। वे कस्टम अफसर की वर्दी अवश्य पहने हुए थे, परंतु वह उन पर जच नहीं रही थी। सफिया ने हिचकिचाते हुए कस्टम ऑफिसर से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने पहले बड़े गौर से उनकी तरफ देखा और फिर कहा, फरमाइए। उनके नरम लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन तो दिल्ली है, आप भी तो वहीं की लगती हैं। यहाँ अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। यहाँ अपने भाइयों से मिलने आई थी। बंटवारे के समय वे लोग इधर आ गए थे। आपको भी तो इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी यहाँ आ गए थे, किंतु हमारा वतन तो दिल्ली है। सफिया ने अपना हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उन्हें सारी बात बता दी। बड़े साहब ने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाया। जब सफिया की बात खत्म हो गई, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाकर देखा, अच्छी तरह लपेटा और खुद ही सफिया के बैग में रख दिया। कस्टम ऑफिसर ने सफिया को बैग देते हुए कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून देखता रह जाता है। जब सफिया चलने लगती है, तब कस्टम ऑफिसर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहते हैं, वहां जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस मुस्लिम औरत को यह नमक देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले को पार कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आती है और वे वहीं खड़े रहते हैं। प्लेटफॉर्म पर उसके कई दोस्त, भाई और रिश्तेदार खड़े थे, हसरत भरी नजरों, ठंडी सांसों, बहते हुए आंसुओं और भीचे हुए होंठों को पीछे छोड़ती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी स्टेशन पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां पर लाहौर खत्म हो गया और कहां से अमृतसर शुरू हो गया। एक ही जमीन थी, एक ही जुबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा था, गालियां भी एक जैसी ही थी, जिनसे दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से नवाज रहे थे। बस मुश्किल यह थी कि दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की चेकिंग उनके पास ही कर रहे थे। उसका सारा सामान चेक होने के बाद वह एक नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी, जो सूरत और बातचीत से बंगाली लग रहे थे। सफिया ने उनसे कहा, देखिए मेरे पास लाहौरी नमक है, थोड़ा सा। सफिया ने हैंडबैग खोलकर पुड़िया को उन्हें दिखाया और हिचकिचाते अटकते हुए सारा हाल सुनाती रही। वे सिर झुकाकर सुनते रहे, बीच बीच में उसकी तरफ देखते और फिर सुनने लगते। जब बात पूरी हो गई, तब उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोला, इधर आइए जरा। अरे इनके सामान का ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे अंदर घुसे। सफिया थोड़ी हिचकिचाई। कस्टम ऑफिसर ने सफिया को मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए, घबराइए मत। कस्टम ऑफिसर ने जेब से रुमाल निकाला और कुर्सी झाड़ते हुए बोले, बैठिए। सफिया ने बैठते हुए बैग और पुड़िया को मेज पर रख दिया। अरे ऑफिसर, दो चाय लाना अच्छी वाली। कस्टम ऑफिसर मेज की दराज खींचकर उसमें से एक किताब निकालते हैं
और उसका पहला पन्ना खोलकर सफिया के सामने रख देते हैं। किताब पर बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर छपी हुई थी और टाइटल वाले पेज पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले से शब्द लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार भरा तोहफा, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के रहने वाले हैं? जी हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप भारत कब आए? जब विभाजन हुए तभी आए, लेकिन हमारा वतन तो ढाका ही है। उस समय मैं तो कोई 12-13 साल का ही था, किंतु टैगोर और नजरुल को तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। जिस रात हम आ रहे थे उसके ठीक एक साल पहले मेरे सबसे पुराने अजीज बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था। फिर हम कलकत्ता में रहने लगे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, किंतु हम आते जाते रहे। वतन? मैंने आपको बताया ना कि मेरा वतन ढाका है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पहले तो केवल इधर ही कस्टम था, अब उधर भी थोड़ा गोलमाल हो गया है। कस्टम ऑफिसर ने चाय की प्याली सफिया की ओर बढ़ाकर खुद भी एक घूंट भरते हुए कहा, वैसे तो नारियल कलकत्ता में भी होता है जैसे यहाँ नमक होता है, किंतु हमारे यहाँ के नारियल की बात ही कुछ और होती है। हमारी जमीन, हमारे पानी का तो मजा ही कुछ और है। चलते वक्त उन्होंने पुड़िया वापिस सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर उसके आगे आगे चलने लगे। सफिया ने धीरे धीरे उनके पीछे चलना शुरू किया। जिस समय सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे नीची सीढ़ी पर वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती हुई जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ।